बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आज और कल दो दिनों तक बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है और हड़ताल के आज पहले दिन बैंकों में कोई काम नहीं हुआ। रेवाड़ी में भी बैंक कर्मचारियों ने काम छोड़कर धरना प्रदर्शन किया और शहर में जुलूस निकाला। इसके साथ ही एक पंपलेट भी जुलूस के दौरान लोगों को दिया, जिसमें बताया गया कि अगर बैंक का निजीकरण सरकार करती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट का ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार इस साल दो सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले नौ यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल करने की घोषणा की है। यहां आपको बता दें कि अब तक 14 बैंकों को मर्ज किया जा चुका है। केंद्र सरकार साल 2019 में ही LIC में IDBI बैंक का मेजोरिटी हिस्सा बेच चुकी है। इसके साथ ही पिछले 4 सालों में 14 बैंकों का मर्जर किया जा चुका है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक है, इसके बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएंगी। बैंकों का निजीकरण करने का विरोध करने वाली बैंक यूनियनों का कहना है कि अगर बैंकों का निजीकरण हुआ तो 146 लाख करोड़ रुपए की लोगों की संपत्ति के निजी हाथों में जाने का खतरा है। न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई जाएगी, जिसका बोझ ग्राहकों पर आएगा। बैंकों में सर्विस चार्ज बढ़ेगा, बैंकों में रोजगार के नए अवसर कम होंगे, गांव की शाखाएं बंद होगी और नई शाखाएं नहीं खुलेगी। 6 लाख करोड़ के बकाया रकम यानी NPA की वसूली कौन करेगा? सस्ती दरों पर मिलने वाले लोन और महंगे हो जाएंगे और बचत पर ब्याज कम हो जाएगा। कृषि ऋण उपलब्ध नहीं होगा और मौजूदा दरों में वृद्धि हो जाएगी। ये वो तमाम तर्क हैं जो बैंक यूनियन की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिनका कहना है कि अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बैंकों के उपभोक्ता ऊपर पड़ेगा। अमित यादव, पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। आज हमारी हड़ताल का पहला दिन है, 15 तारीख। कल हमारी हड़ताल का दूसरा दिन है। हम सब बैंक कर्मचारी UFBU के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। हमारी मांग और कोई कुछ नहीं है, हमारी हड़ताल सिर्फ इस वजह से है कि जो मोदी सरकार ने इस बजट में तय किया है कि हम 1,75,000 करोड़ रुपया सरकारी सेक्टर उपक्रम, जिनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके विनिवेश से इकट्ठा करेंगे, जिनमें 2 सरकारी बैंक और 1 इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल है। हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि अगर देश के बैंक प्राइवेट हो गए तो जो हालत सन 1969 से पहले थी, आम जनता का पैसा कुछ उद्योगपति घराने लूटते थे और उस लूट को रोकने के लिए हम बैंक के सभी कर्मचारी सड़कों पर हैं। हम चाहते हैं आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहे, आम आदमी को बैंक में सर्विसेज मिलें, आम आदमी का बैंक में सर्विस मिलने के नाम पर शोषण ना हो, उनका पैसा खर्च ना हो, उनका पैसा भी बचे, उनको सेवाएं भी पूरी मिले और सरकार की सभी योजनाएं आम जन तक पहुंचती रहें जैसे आज पहुंच रही। आगे क्या रहेगा? आगे अभी तो 2 दिन की हड़ताल है, इसके जो भी कंसिक्वेंसेज निकल के आते हैं, सरकार क्या सोचती है क्या करती है, जैसा सरकार सोचेगी हम भी वैसा ही सोचेंगे। जैसा UFBU का आह्वान होगा उसी तर्ज पर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। मैं सतीश भटला, प्रेसिडेंट PNB स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा। ये 2 दिन की हमारी 15 और 16 मार्च यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर मोदी सरकार की ये निजीकरण बैंकों का, PSU को निजीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में सांकेतिक हड़ताल है। अगर ये मोदी सरकार इसी तरीके ये जो नीतियाँ लागू कर रही है किसान विरोधी और एम्प्लॉयज़ विरोधी, अगर ये जारी रखी तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जा सकते हैं, अगर हमारी हायर लीडरशिप हमें परमिट करेगी तो। क्या कुछ डिमांड है अपनी? हमारा जो मेन डिमांड ही हमारी एक ही है, हमारा कोई वेतन बढ़ने की कोई डिमांड नहीं है। ये निजीकरण का विरोध कर रहे हैं हम और इसको हम होने नहीं देंगे किसी भी।